गाइस, आज के इस वीडियो में हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि एग्जाम लेवल में आपको सारे क्वेश्चन बताने वाली हूँ। इनमें जो भी क्वेश्चन है, उन सारे क्वेश्चन के आप अच्छे से नोट्स रेडी करी। एनी डाउट, आपको कोई भी डाउट होगा तो हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड मैं आपको बता देती हूँ कि आपको एग्जाम में अगर 90+ मार्क कैसे स्कोर करना है, मैं उसके बारे में फुल डिटेल्स देने वाली हूँ। एंड क्या क्या आपको प्रिपरेशन करनी जाती है, एंड कैसे आपको प्रिपेयर करनी है, कैसे नोट्स रेडी करनी है, इसकी फुल डिटेल्स मैं आपको दूंगी, तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। पहला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, जो कि हमारा पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, डिफाइन प्लानिंग एंड आल्सो डिस्कस इंपॉर्टेंस, नियोजन की परिभाषा दीजिए और इसका महत्व बताइए। डिफाइन प्लानिंग एंड आल्सो डिस्कस इट्स इंपॉर्टेंट के बारे में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करनी है। जो कि हमारा सेकंड क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि डिस्कस द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ इनफॉर्मल ग्रुप्स, अनौपचारिक संगठन के गुण तथा दोषों की व्याख्या करनी है आपको। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको ऑल सब्जेक्ट एंड PYQ पेपर के डेली बेसिस पे मैं प्रोवाइड करती रहती हूँ, उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। एंड नेक्स्ट हम आ जाते हैं, हमारा थर्ड क्वेश्चन है, डिफाइन कंट्रोल, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण की परिभाषा दीजिए, नियंत्रण के प्रमुख तत्व क्या क्या हैं, इसके बारे में आपको चीज़ एक्सप्लेन करनी है। एंड इसका एक क्वेश्चन आप और नोट कर लीजिए कि नियंत्रण की क्या परिभाषा हो सकती है, एंड नेक्स्ट नियंत्रण के प्रमुख प्रकार बताइए, और नियंत्रण के आपको करेक्टरिस्टिक्स बता सकते हैं उसमें, एंड उसमें आप लक्षण बता सकते हैं, दोष बताइए, उसमें आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आता है हमारा, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन रैशनलाइजेशन एंड नेशनलाइजेशन एक्सप्लेन, विवेकीकरण तथा राष्ट्रीयकरण में क्या अंतर है, इसके बारे में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करनी है। नेक्स्ट हम आते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि व्हाट इज ई कॉमर्स, डिस्कस इट्स बेनिफिट एंड लिमिटेशंस, ई कॉमर्स क्या है, इसके लाभों और सीमाओं का उल्लेख कीजिए। आपको एनी डाउट, आपको कोई भी डाउट होगा तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब वहाँ से ज्वाइन होके आपको कोई भी डाउट होगा तो वहाँ से कम्प्लीटली पूछ लीजिए। एनी सब्जेक्ट आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है PYQ पर आपको वहाँ से चाहिए तो मैं आपको वहाँ से प्रोवाइड कर दूंगी, और नोट्स पे कैसे आपको लिखनी है मैं आपको वो भी बताने वाली हूँ। सो अगर आपको एग्जाम में 90+ मार्क स्कोर करने हैं तो 3 to 5 ईयर के प्रीवियस ईयर पेपर को अच्छे से कम्प्लीटली पढ़ के जाइए, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा, और उसमें आपको पता चल जाएगा कि क्या पेपर का पैटर्न कैसा होता है। एंड मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये भी बताऊँगी कि आपके यूनिवर्सिटी के हिसाब से आपका पेपर का पैटर्न क्या होगा। हो सके तो आप अपने कमेंट सेशन में ये यूनिवर्सिटी का नेम मेंशन कर दीजिएगा, तो मैं आपको आपकी यूनिवर्सिटी का पेपर का पैटर्न मैं आपको शेयर कर दूंगी। अब हम आ जाते हैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे, जो कि एग्जाम लेवल सारे टॉपिक्स हैं, क्योंकि इसमें जो भी है इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स इसके पहले एग्जाम में पूछा गया था। तो हमारा पहला है मार्केटिंग वर्सेज सेलिंग, इसके आपके एग्जाम में पूछा गया है तो इसके भी आप कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बारे में आपको चीज़ एक्सप्लेन करनी है। एंड द थर्ड है हमारा डेबेंचर ऑफ सोर्स ऑफ फाइनेंस, ये भी क्वेश्चन आपका पिछले एग्जाम में पूछा गया था। एंड द नेक्स्ट आ जाते हैं वेल्थ मैनेजमेंट एंड वर्सेज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के बारे में आपको इसे एक्सप्लेन करनी है। एंड द लास्ट टॉपिक है हमारा फीचर्स ऑफ लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करनी है। इसमें जो भी टॉपिक्स लिए हैं एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे आप जरूर कंप्लीट करके जाइएगा, क्योंकि आपका ये नेक्स्ट एग्जाम है, इसमें से 2-3 टॉपिक जरूर मिलेंगे आपको। और हाँ, ये आपका पार्ट 1 है, इसके नेक्स्ट पार्ट में हम आगे के क्वेश्चन के कॉल सारे डिस्कस करने वाले हैं, एंड आगे के सारे चैप्टर्स को मैं कंप्लीट कराऊंगी डेली बेसिस पे। आपको बीकॉम फर्स्ट ईयर की सारी प्रिपरेशन मैं कराने वाली हूँ, जो कि मैं डेली बेसिस पे करा दूंगी सारे चैप्टर्स कंप्लीट करा के। इन सारे क्वेश्चंस के आप अच्छे से नोट्स करिए और वीडियो रोक के इसे नोट कर लीजिएगा, या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा, लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको ऑल सब्जेक्ट नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। एंड मैं इसके PYQ पेपर भी आपको शेयर कर दूंगी, जो कि आपको मॉडल पेपर भी मैं प्रोवाइड करूंगी, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट पेपर में नेक्स्ट वीडियो के साथ एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के प्लेलिस्ट के साथ।